कहते हैं परमपिता परमेश्वर ने इस सुंदर से संसार की रचना की और इस सुंदर से ब्रह्मांड में भी जो हमारी पृथ्वी है जिस पर मानव सभ्यता है, जिस बात को कभी पूना के अंदर महर्षि दयानंद ने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, जैसा इस पृथ्वी पर जीवन है ऐसी अनेकों पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में हो सकती हैं और यदि वो हैं तो उन पर जीवन की भी संभावना है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर में बैठता है उसको लगता है मेरा घर बहुत बड़ा है, पर यदि घर से बाहर निकल जाए तो क्या कहेगा, जी ये मोहल्ला बहुत बड़ा है, फिर कहेगा जी हमारे गांव की वोटिंग जो है वो लगभग ये मानो 10,000 की, तो ये गांव बड़ा है, उससे बड़ी नगर पालिका, उससे बड़ा जिला, जिले से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा देश और देश से बड़ा पूरा विश्व। पर यदि संपूर्ण विश्व को यानी कि इस पृथ्वी को आप देखो पैरोडी पर जाकर के, जहां पर वैज्ञानिकों ने एक स्टेशन की स्थापना की हुई है और 6 वैज्ञानिक हर समय वहां रहते ही हैं और जब वहां पर वो लाइव भी चलता है, आप उसको यूट्यूब पर देखें तो वो लाइव भी चलता रहता है स्पेस स्टेशन, उसको नाम दिया गया है स्पेस में एक स्टेशन। तो आप विचार करो जब वहां पर जाकर के वैज्ञानिक अपने यंत्रों से देखते हैं तो जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी को कहा जाता है मिल्की वे। अब उस मिल्की वे में आप यदि देखो उस आकाश गंगा में आप अपनी औकात देखो तो ये भवन जो दिखाई दे रहा है ना, मान लीजिए मैं अपने हाथ में पेंसिल लेकर के और दीवार पर एक नुक्ता लगा दूं ऐसे और आपसे कहो ढूंढो, तो जैसे इस पूरे भवन में उस नुक्ते की उस बिंदु की कोई औकात नहीं होगी, ऐसे उस आकाश गंगा में भी हमारी कोई औकात नजर, जोर से बोलो, नहीं आती। इतनी छोटी पृथ्वी पर हम हैं और इतनी छोटी पृथ्वी पर हम हैं, जिस पृथ्वी से बड़ा अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह छोटा है पृथ्वी से या बड़ा है? क्यों जी? बड़ा है। अच्छा शनि ग्रह पृथ्वी से छोटा है या बड़ा है? वो भी बड़ा है। ऐसी 7 पृथ्वियां समा सकती है शनि ग्रह में, इतना बड़ा है ना। और आप विचार करो धरती पर रहने वाले व्यक्ति और एक 6 फुटिए आदमी को कह रहे हैं तेरे ऊपर मंगल चढ़ा है और तेरे ऊपर शनि चढ़ा, मतलब पृथ्वी से बड़ा प्लेनेट और पृथ्वी पर रहने वाले एक 6 फुटिए के ऊपर चढ़ा रखा है, तेरे ऊपर शनि की दशा भारी, तेरी मंगल की दशा भारी है ना। आप विचार करना, चिंतन करना, स्कूलों में बच्चों को एक पोयम पढ़ाई जाती है, बेटे बोलो तो सही, ट्विंकल ट्विंकल, आगे बोलो आप स्कूल नहीं जा रहे हो अभी, छोटे हो अभी तो, है ना, ये पढ़ाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब इसका अर्थ क्या हुआ? छोटे 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 तारे। तो कोई इनसे थप्पड़ मार करके पूछे रे मूर्ख हो, जिन्हें तुम लिटिल स्टार छोटे छोटे तारे बता रहे हो, पता लगा इस पृथ्वी से बड़ा मंगल, उससे बड़ा शनि, शनि से बड़ा सूर्य और सूर्य से भी बड़े हैं ये, जोर से बोलो, तारे, जिन्हें तुम लिटिल लिटिल स्टार बता रहे, कोई औकात नहीं। तो ऋषि दयानंद ने कहा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं, और भी पृथ्वियां हैं, उन पर भी जीवन हो सकता है, हो सकता है उनके शरीरों में बनावट में थोड़ा अंतर हो, क्योंकि यदि आप पूरे विश्व में ही देख लो तो स्थान के कारण, जलवायु के कारण रंग भेद भी मिलता है और नस्ल भेद भी मिलता है। तो ऋषि कहते हैं उनके शरीरों में भी कोई भेद हो सकता है ना। इस बात की चर्चा महर्षि दयानंद उस समय कर रहे हैं, आप विचार करना बंधुओं, उस समय ऋषि दयानंद की बातों को सुनकर के कुछ लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी थी वो कुछ इस प्रकार की थी, कहीं ये बाबा का दिमाग तो नहीं चल गया, ये पगला तो नहीं गया,
कैसी उलझुल बातें करता है। कभी कहता है मैं अथर्ववेद के नासा सूक्त के आधार पर विमान बना के उड़ा सकता हूं, कभी कहता है कि और भी पृथ्वियां हो सकती हैं। तो जो बात ऋषि दयानंद ने पूना प्रवचन में बोली और जिसके कारण उनको लोगों ने पागल घोषित कर दिया, कुछ लोगों ने कहा बाबा पगला गए, आज वही चीजें वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं बोलो। और केवल भारत के नहीं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बोल रहे हैं। पिछले दिनों नासा ने आधिकारिक रूप से दो वीडियो रिलीज की जिसमें यूएफओ के देखने की घटना, वैसे तो वो हजारों बार घट चुकी है, पर नासा ने आधिकारिक रूप से रिलीज की और रिलीज करते हुए ये कहा, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई एलियंस वाले यान होंगे, इनमें एलियन बैठे होंगे, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये यूएफओ है। यूएफओ के माने अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये पृथ्वी के मटेरियल से या पृथ्वी की टेक्नोलॉजी से, ये टेक्नोलॉजी अब तक है ही नहीं हमारे पास। तो आज उस बात को वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, विचार कीजिएगा और चिंतन कीजिएगा कि ऋषि दयानंद ने जिस वेद की बात की और परमात्मा की बात की, तो ऋषि कहते हैं जिस ईश्वर ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया और इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले ये मनुष्य, कहते हैं ईश्वर की सब कृतियों में अब तक जितने विद्वान जितने ऋषि मुनि, उन सब ने एक स्वर में ये माना है कि परमात्मा की समस्त रचनाओं में सबसे सुंदर रचना अगर कोई है तो वो मानव शरीर की रचना, ये मानते हैं कि नहीं मानते। सबसे सुंदर आंखें मोरनी की बहुत सुंदर है, निवेदन कर दूं आंखें हिरनी की बहुत सुंदर है, नाक तोते की बहुत सुंदर है, गर्दन मोर की बहुत सुंदर है, चाल हाथी की बहुत सुंदर है, बाल भालू के बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं कहता बड़े भाग भालू तन पावा, बड़े भाग गधा तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पावा, कोई नहीं कहता, पर सब क्या कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला। तो परमात्मा की समस्त रचनाओं में जिस मानव रचना को सबसे सुंदर माना जाता है, जरा ईमानदारी से बताना, आज समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे अनाचार हो, भ्रष्टाचार हो, व्यभिचार हो, लूटमार हो, चोरी हो, डकैती हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, द्वेष हो, लोभ हो, मोह हो, क्रोध हो, ये जितनी भी समस्याएं ए टू जेड फैक्ट पॉइंट, ये सब किसके द्वारा फैलाई जा रही है, थोड़ा सा बोलते रहना ताकि लगे चेतना बन बन, मनुष्य के द्वारा है ना, और कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है कि आप इधर उधर नहीं देख सकते आराम से बिल्कुल सब मनुष्य के द्वारा, ये एक पक्ष है। पता लगा ये समस्याएं गधों ने नहीं फैलाई, घोड़ों ने नहीं फैलाई, पक्षियों ने नहीं फैलाई, पशुओं ने नहीं फैलाई, सब मनुष्यों ने फैलाई, ये एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष, अगर आतंकवाद को समाप्त करेगा तो भी कोई पशु पक्षी तो आएगा नहीं, इस व्यवस्था को कौन बनाएगा, मनुष्य। अगर अनाचार को दूर करना है तो कौन करेगा, मनुष्य। अगर अत्याचार को दूर करना है तो कौन करेगा, मनुष्य। अगर व्यभिचार को दूर करना है तो कौन करेगा, मनुष्य। पता लगा कि समाज को व्यवस्थित करने में भी मनुष्य की ही सबसे बड़ी भूमिका है और समाज को विकृत करने में भी मनुष्य की ही सबसे बड़ी भूमिका है। तो जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है क्यों ना पूरी की पूरी ताकत उस पर लगाए, क्यों ना पूरी ताकत उस पर लगाए। और आप कहोगे जी उस पर क्या ताकत लगानी है, हाँ बिल्कुल लगानी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज बहुत अच्छा हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र बहुत अच्छा हो, अगर हम चाहते हैं कि मेरा गांव, मेरा नगर, मेरा जिला, मेरा स्टेट, मेरा परिवार, मेरा मोहल्ला, मेरा आसपास सब कुछ बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए आवश्यकता है एक अच्छे मनुष्य की। और बंधुओं, दुनिया में जितने भी पशु पक्षी हैं
उन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उनके लिए कोई उपदेश नहीं है। ध्यान रखना, वेदों में कोई उपदेश पशु पक्षियों के लिए नहीं है, शास्त्रों में कोई उपदेश पशु पक्षी के लिए नहीं है, किसी देश के संविधान में कोई धारा पशु पक्षियों के लिए नहीं है। ये जितने नियम कानून प्रवचन उपदेश संदेश जितने भी हैं, ये सब किसके लिए हैं बोलो? मनुष्य के लिए। क्यों है? क्योंकि पशु पक्षियों को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर मनुष्य बिना बनाए बनता नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। एक पशु चाहे वो गाय है चाहे भैंस है, वो कभी नहीं सिखाती अपने बच्चे को कि उसको घास कैसे खाना है। वो कुछ दिन तक दूध पिएगा, उसके बाद में फिर उसे रोटी खिला देते हैं। घर में बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, तो लाड़ प्यार में उन्हें रोटी खिला देंगे, फिर वो धीरे धीरे पत्तियां चबाने लगते हैं, खाने लगते हैं। एक 3 दिन के गाय के बच्चे को आप तालाब में छोड़ दो तो वो डूब करके मरता नहीं है, अपने आप तैरने लगता है, उसे सिखाया नहीं गया। पर जितनी आवश्यकता है उतनी परमात्मा ने उसे दे करके भेजा है। कोई पक्षी नहीं सिखा रहा है, बया नाम का पक्षी अपने बच्चे को घोंसला बनाना नहीं सिखा रहा है, पर उनके बच्चे एक समय के बाद अपने आप इतने सुंदर घोंसले बनाते हैं, वो गोल गोल टाइप कि चाहे साल भर बारिश होती रहे, उनके घोंसले में पानी की एक रेखा भी नहीं जाएगी। और तुम्हारे डिग्री होल्डर आर्किटेक्ट चाहे कितना भी मजबूत लेंटर डाल ले, महीना बारिश हो तो तुरंत पानी की रेखाएं दिखने लग जाती कि नहीं दिखने लग जाती। पशु पक्षियों को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप सीखे सिखाए होते हैं। पर जिस मनुष्य को कहा कि ये भगवान की सबसे सुंदर रचना है, वो बिना बनाए बनता नहीं है बंधुओं, उसको बनाना पड़ता है। वो बिना बनाए नहीं बनेगा, उसको बनाना पड़ेगा। अगर आप बनाओगे तो मनुर्भव वो मनुष्य बनेगा, और नहीं आप बनाओगे तो फिर शरीर से तो वो मनुष्य बनेगा लेकिन आचरण और व्यवहार से वो कुछ भी बन सकता है। और तुम्हें यकीन ना हो तो कल को घरों में झांक के देख लेना, जब माताएं बच्चों को डांटती हुई कई बार कहती है ओ कुत्ते, बोलती है कि नहीं बोलती है? हाँ, ऊपर बैठी हुई हंस रही है, बोले हाँ ओ कुत्ते। मैंने पूछा कुत्ता क्यों कहा है, बोले लक्षण तो कुत्ते वाले ही हैं इसके। कोई कह रही हो भेड़िए, भेड़िया क्यों कह रही हो, बोले लक्षण भेड़िए वाले। एक बोल रही थी मेरा गधा सा, अब उसके अंदर गधे जैसे लक्षण दिखाई दे रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि घोड़े के घर में घोड़ा ही पैदा होता है, गधे के घर गधा ही पैदा होता है, शेर के घर शेर ही पैदा होता है, कुत्ते के घर कुत्ता ही पैदा होता है। पर ये मनुष्य ही ऐसा विचित्र प्राणी है कि इसके घर में सारी वैरायटी पैदा हो जाती है। अगर आप नहीं बनाओगे तो वो कुछ भी बनेगा। शरीर से मनुष्य है पर लक्षण हो सकता है कुत्ते वाले आ जाए। कुत्ते वाले लक्षण क्या? द्वेष का भाव होता है कुत्ते के अंदर। एक पड़ोस का कुत्ता अगर दूसरे पड़ोस में चला जाए तो ऐसा हालचाल पूछ के भेजते हैं, वो अगली बार जाने की हिम्मत नहीं करता। आज ईमानदारी से बताना, कुत्तों से ज्यादा द्वेष मनुष्य के अंदर आ चुका है कि नहीं आ चुका है, बोलो? मनुष्य के अंदर आ चुका है। अब उसे क्या कहेंगे? सांप टेढ़ी चाल चलता है, आज मनुष्य की चालें देखो तो इतनी टेढ़ी कि सांप को भी पीछे छोड़ दिया। शरीर से तो मनुष्य नजर आ रहा है लेकिन आचरण और व्यवहार से हिंसक पशुओं की प्रवृत्ति उसके अंदर नजर आ रही है। इसलिए वेद ने कहा पशु पक्षियों को बनाने की आवश्यकता नहीं। कोई नहीं कह रहा गाय से गाय तू गाय बन जा, कोई नहीं कह रहा घोड़े से घोड़े तू घोड़ा बन जा, कोई नहीं कह रहा है गधे से गधा तू गधा बन जा। वो कहेगा भैया मैं तो फुल फॉर्म में हूं, एक गधे में जितने लक्षण होने चाहिए वो सब मुझ में है। लेकिन मनुष्य को हर जगह कहा जा रहा है आदमी बन जा आदमी, मानस बन जा मानस। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसे हर जगह कहा जा रहा है।